हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए बहुत आसान बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ मैं। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ी सी पतली बोली है 3-ply एक्रेलिक यार्न और 10 नंबर सिलाई ली है, 10 नंबर नीडल्स, ओपन वर्क पैटर्न है। और इसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 10-10 के मल्टीपल में और 3 एक्स्ट्रा 10 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 3 एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 33 फंदे लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको जो है वीडियो को प्रॉपरली फॉलो करना होगा, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा सा भी अगर आपका फंदे आगे पीछे होंगे तो सारा पैटर्न आपका गलत हो जाएगा, लेकिन बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। और ये 2 फंदे जो हमने सीधे बुने, इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिएगा उसमें हमने क्या करना है। 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे, फ्रंट लूप से ऐसे बुनेंगे 2 का 1। उसके बाद अगले जो 3 फंदे हैं, ये देखिए ये 3 फंदे, इन तीनों को हमने इस तरह से बैक लूप से बुनते हुए 9 फंदे बनाने हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले 1 फंदा बनाया, धागा आगे लेकर आएंगे, फिर से इन 3 फंदों को एक बार बुनेंगे इस तरह से, तो ये 3 फंदे बन गए। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर से इसे बुनेंगे तो 5 फंदे बन जाएंगे। फिर से धागा आगे, फिर से इसे बैक लूप से बुनेंगे, 7 फंदे हो गए। एक बार फिर से धागा आगे लाकर इसे बुनेंगे तो ये 9 फंदे हो जाएंगे। मेक 9 स्टिचेस आउट ऑफ दिस 3 ऐसे। अब अगले हमने जो 2 फंदे हैं उन्हें स्लिप करना है और दोनों को इस तरह से बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुनना है, स्लिप स्लिप निट ऐसे। और फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, निट 3। और फ्रेंड्स, ये जो हमने स्लिप करने के बाद 2 फंदे सीधे बुने थे, उसके बाद जो ये हमने 2 का 1 करना शुरू किया था, यहां से लेकर इन 3 सीधे फंदों तक जो है हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। बहुत आसान है। 2 फंदों का 1 करेंगे, 3 फंदों के 9 बनाएंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे लेकिन उन्हें ट्विस्ट करके स्लिप स्लिप निट इस तरह से करेंगे, और फिर 3 फंदे सीधे, स्लिप 1 निट 2। आफ्टर दैट द पैटर्न रिपीट स्टार्ट इन विच वी हैव टू निट 2 टुगेदर, मेक 9 आउट ऑफ 3 SSK, निट 3। कीप रिपीटिंग दीज स्टिचेस, 10 स्टिचेस। अब फिर से यही करेंगे। देखिएगा हमने क्या किया था, 2 सीधे बुनने के बाद 2 फंदों का 1 किया था, उसके बाद हमने 3 फंदों के 9 फंदे बनाए थे। फिर से वही करेंगे, 3 फंदों के 9 बना लेंगे, फिर उसके बाद SSK और फिर 3 फंदे सीधे। तो ये हमने 10 फंदे फिर से रिपीट किए, और एक बार हम फिर ये जो है 10 फंदे रिपीट करेंगे। 2 फंदों का 1 करेंगे फ्रंट लूप से, फिर 3 फंदों के 9 फंदे बनाएंगे बैक लूप से, और फिर 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से। तो ऐसा करते हुए लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचेंगे फ्रेंड्स, जिन्हें हमने सीधा बुन लेना है। ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर लिए। देखिएगा अब रो 2 रॉन्ग साइड दूसरी सिलाई, और सभी रॉन्ग साइड रोज को हमने उल्टा बुनना है। हमने बैक साइड से सारी सिलाइयां उल्टी ही बुननी है, तो हम ये सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 1 एंड ऑल द रॉन्ग साइड रोज।
तो ये हम पूरे के पूरे, ये जो नौ फंदे हमने बनाए हैं देखिए, इन्हें भी हमने उल्टा बुनना है इस तरह से, एक एक करके हम ये आराम से इस तरह से बुनते जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे, और ऐसा करने पे हमारे फंदे जो है यहाँ पे बढ़ जाएंगे काफी ज्यादा, क्योंकि हमने तीन के नौ फंदे बनाए हैं, तो छह फंदे हमारे हर एक क्लस्टर के साथ बढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पे तीन क्लस्टर्स बनाए हैं या तीन मोटिव्स बनाए हैं, तो छह छह फंदे तीनों में बढ़े हैं हमारे। तो आपने ये जो है इसका कोई इश्यू नहीं है, आपने इसके बारे में नहीं सोचना है कि फंदे कैसे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी हम ये सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। ये देखिए सेकंड रो हमने सारी उल्टी बुन ली। अब थर्ड रो, इसे भी ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले फंदे को हमने स्लिप किया। अब रो वन में हमने एक फंदा सीधा बुना था, इसमें हम सॉरी दो फंदे सीधे बुने थे, इसमें हम एक ही फंदा सीधा बुनेंगे, स्लिप वन निट वन, और उसके बाद हमने दो फंदों का एक कर देना है यहाँ पे निट टू टुगेदर। अब ये जो हमने नाइन स्टिचेस बनाए हैं, नौ फंदे बनाए हैं, इन्हें हमने सीधा बुन लेना है। ये नौ फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर वही करेंगे, स्लिप स्लिप और बैक साइड से निट, इस तरह से ऐसे इसके। और फिर ये जो तीन फंदे थे, अब ये हमारा एक ही फंदा रह जाएगा, तो यहाँ पे एक फंदा हम ये सीधा बुनेंगे। और फिर वही करेंगे, दो फंदों का एक, फिर से वही रिपीट करना है हमें, दो फंदों का एक करेंगे निट टू टुगेदर, फिर निट नाइन, फिर नौ फंदे सीधे बुनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, फिर से ऐसे इसके, फिर से एक फंदा सीधा, और फिर वही रिपीट, दो फंदों का एक, नौ फंदे सीधे, और फिर एस एस के। और इस बार लास्ट में हमारे जो है दो फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे हमने ये थर्ड रो तीसरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब फोर्थ रो चौथी सिलाई, फिर से हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। ये फोर्थ रो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए फिफ्थ रो पांचवी सिलाई बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, अब हम दो फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिएगा क्या करना है। ये जो हमने नौ फंदे बनाए हैं, इसमें से पहले हम जो ये तीन फंदे हैं, इन तीनों का एक फंदा बनाएंगे। एक फंदे को स्लिप करेंगे, दो एक साथ बुनेंगे और इसे ऊपर से पास कर देंगे यूं। तो ऐसे हमने ये जो है तीन फंदों का एक बना लिया। अब धागा आगे लेकर आएंगे, यहाँ पे एक जाली बनेगी, फिर तीन फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, और इन नौ फंदों के जो बाकी के तीन फंदे हैं, इनका फिर से हमने तीन का एक फंदा बना लेना है यूं। तो हमने देखिए क्या किया, पहले स्लिप किया फंदा, फिर दो फंदे जो है वो अलग अलग जो है सीधे बुन लिए, उसके बाद जो नाइन फंदे थे, नाइन स्टिचेस थे, उसमें से हम तीन का एक किया हमने, फिर धागा आगे लाए, फिर ये तीन फंदे जो बीच वाले हैं इनको एक एक करके बुना, फिर धागा आगे लाए, और फिर इन तीन फंदों का एक बना लिया। अब ये वाले जो तीन फंदे हैं, देखिए जो दो का एक हम इस तरफ से कर रहे थे और इस तरफ से एस एस के कर रहे थे, अब ये तीन फंदे हमारे बचे हैं, इनको हमने फिर से तीन का एक बना लेना है, थ्री टुगेदर, ऐसे जैसे हम ये बनाते वैसे इसका बनाएंगे। और अब फिर हमने यही रिपीट करना है। देखिए ये नौ फंदे हमारे फिर से आ गए, जिसमें से हम पहले तीन फंदों का एक बनाएंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे,
इन तीन फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और फिर से इन तीन फंदों का एक कर देंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, तीन फंदों का एक, फिर धागा आगे, फिर तीन फंदे सीधे, फिर धागा आगे और फिर हम तीन फंदों का एक, तीन फंदों का एक, तीन फंदों का एक, तीन बार हमने ये करना है। इस देखिए यहाँ से आपका गलत नहीं होगा अगर आप ये ध्यान देंगे, तीन का एक, तीन का एक, तीन का एक, फिर धागा आगे करके तीन फंदे सीधे, फिर धागा आगे करेंगे और फिर से तीन का एक, तीन का एक, तीन का एक, यही करेंगे। तो बहुत आसान है, नीट थ्री टुगेदर थ्री टाइम्स। ये देखिए तीन बार हमने तीन का एक करते हुए बुनना है ऐसे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। ये नौ फंदों के बीच के तीन फंदे हैं जिन्हें हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और फिर इन तीन का एक करेंगे और फिर लास्ट में हमारे तीन फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे, लास्ट थ्री स्टिचेस। तो ऐसे हमने ये फोर जो है फिफ्थ रो, पांचवी सिलाई कंप्लीट की। सिक्स रो, छठी सिलाई, फिर से हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। सिक्स रो उल्टी बुनने के बाद अब सेवन्थ रो, सातवीं सिलाई, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब अगले तीन फंदे हमने सीधे बुनने हैं, नीट थ्री। अब ये जो हमने जाली बनाई थी देखिए ये, इसे भी सीधा बुनेंगे, नीट वन, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा, जाली ये बनेगी हमारी। फिर ये जो तीन फंदे हैं, इन तीन फंदों का हमने एक बनाना है, जो तरीका आपको ठीक लगता हो। हमने जैसे पहले बनाया था, एक फंदा स्लिप, दो फंदे एक साथ सीधे और एक फंदे को ऊपर से जो स्लिप किया था उसे ऊपर से पास। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे। तो हमने ये जो पहले वाली जाली है इसके आगे और पीछे जाली बनानी है इस तरफ, और इस तरफ हमने सिर्फ एक जाली बनानी है इस फंदे के बाद। अब फिर हमने ये जो तीन फंदे हैं इन्हें सीधा बुन लेना है, यानी दिस थ्री स्टिचेस जो हमने ये ट्रायंगल के बाद तीन फंदे हमारे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब फिर ये करेंगे, धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे, ये जो नौ फंदों के बीच वाला फंदे थे तीन, इनका हमने एक बनाना है। ये हमारी थर्ड पेटल है जो हम बना रहे हैं, देखिए दो फंदे ये एक साथ सीधे और फिर इस एक फंदे को ऊपर से पास, फिर से धागा आगे एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे तीन फंदे सीधे। तो बहुत आसान है ये, धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे तीन फंदों का एक, ये देखिए ये तीन फंदों का एक, ये दो पेटल्स और ये बीच वाली पेटल जिसका हमने तीन का एक करते हुए इस तरह से बना लेना है और फिर धागा आगे करके जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा। अब पूरी रो में तो हम धागा आगे करके फिर तीन फंदे सीधे बुन रहे थे, लेकिन लास्ट में हमने ये जो एक फंदा सीधा बुना है इसके बाद के तीन फंदे हम सीधे बुन लेंगे और एच स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये सेवेंथ रो कंप्लीट की, ये देखिएगा। अब एट्थ रो, आठवीं सिलाई, इसमें हमने फंदों को उल्टा तो बुनना है लेकिन लूज बुनेंगे, देखिए फंदों को ढीला ढीला बुनते हुए हमने ये उल्टा बुनना है, पर्ल ऑल द स्टिचेस लूजली, क्योंकि अगली सिलाई में हमने फिर से तीन फंदों के नौ बनाने हैं, तो हमने ये वाली उल्टी सिलाई ढीली ढीली बुननी है, तो इसे हम उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये एट थ्रो हम बुन चुके हैं और यही आठ सिलाइयाँ अब हमने जो है थोड़ा सा चेंज करके रिपीट करनी है। जो ये हमारे फ्लावर बना है तीन पेटल्स वाला, अब ये यहाँ पे बनेगा इन दोनों के बीच में, और ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ये अब यहाँ पे बनेगा, तो उसके लिए हम चेंज करेंगे। देखिएगा ध्यान से इसे भी कैसे हमने करना है, पहले फंदे को स्लिप किया, अब हम धागा आगे लेकर आएंगे और जो ये दो फंदे हैं इनके पांच फंदे बनाने हैं, मेक फाइव आउट ऑफ दीज टू स्टिचेस, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो ये पांच फंदे हमने बना दिए। अब
बाकी की रो हमने रो जैसे वन बुनी थी एग्जैक्टली वैसे ही बुननी है। सिर्फ स्टार्टिंग में हमने ये ऐसे बुना है, दो ऐसे इसके करेंगे, पहले दो फंदों को इस तरह से स्लिप करके बैक लूप से सीधा बुनेंगे और उसके बाद हमने तीन फंदे सीधे बुनने हैं निप थ्री। जो ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे इसमें से ये जो बीच वाली पैटर्न वाला फंदा है ये बीच में आएगा, ये देखिए ऐसे। इस बात से आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न आपका गलत नहीं जा रहा है। अब फिर दो फंदों का एक करेंगे निट टू टुगेदर ये। अब देखिए जैसे हमने रो वन बुनी थी बीच की रो हमने वैसे ही बुननी है, तो अब हम इन तीन फंदों के नौ फंदे बनाएंगे। मेक नाइन आउट ऑफ दिस थ्री स्टिचेस एंड वर्क दिस रो जस्ट लाइक रो वन। पांच छ सात आठ और ये नौ, तो हमने तीन फंदों के नौ बना लिए। फ्रेंड्स आपने पिछली लाइन जो है वो थोड़ी लूज बुननी है, नहीं तो आपके तीन फंदों के नौ फंदे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब फिर हम दो फंदों का एक करेंगे, सॉरी इसके बाद हमने स्लिप स्लिप निट करना है। दो फंदों को स्लिप करके दो का एक करना है, फिर तीन फंदे सीधे बुनने हैं जैसे रो वन बुनी थी, बाकी की रो हम वैसे ही बुनेंगे, फिर दो फंदों का एक कर देना है। तो देखिए हमने जो है बुनी तो ये रो वन की तरह ही है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने दो फंदों के पांच इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ पे हमारा हाफ फ्लावर आएगा। देखिए ये तीन पेटल्स का फ्लावर है, यहाँ पे हमारे तीन तीन पेटल्स ही आएंगी, लेकिन यहाँ पे हमारी दो ही पेटल्स आएंगी इस तरफ और दो ही पेटल्स आएंगी हमारी लास्ट में, तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पे पांच के दो के पांच फंदे बनाए थे। अब फिर यही करेंगे, तीन के हमने नौ फंदे बनाने हैं। थ्री फोर सेवन एट एंड नाइन ऐसे। तो बाकी हम बीच की रो पूरी रो वन की तरह बुनते जाएंगे, फिर से स्लिप स्लिप निट, फिर से निट थ्री टुगेदर, सॉरी निट थ्री, फिर से निट टू टुगेदर, तो ऐसे करते जाएंगे। लास्ट में देखिए जब हम ये दो फंदों का एक करेंगे उसके बाद हमारे ये फिर से तीन फंदे बचेंगे, जिसमें से हमने इन दो फंदों के फिर से पांच फंदे बनाने हैं। मेक फाइव आउट ऑफ टू और धागा आगे लाके यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाएंगे यानी कि जाली बनाएंगे और फिर एक फंदा ये सीधा। तो ऐसे हमने ये नाइन्थ रो नौवीं सिलाई कंप्लीट कर ली। अब टेंथ रो दसवीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल, जो ये पांच फंदे हैं इनको भी उल्टा बुन लेंगे, तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो ये हमने टेंथ रो दसवीं सिलाई कंप्लीट कर ली। अब ग्यारहवीं सिलाई देखिएगा, इलेवेंथ रो, पहले फंदे को स्लिप किया और अब हम ये छह फंदे सीधे बुनेंगे, निट सिक्स स्टिचेस, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसे हम रो थ्री की तरह ही बनेंगे बाकी की जो है। अब फिर दो फंदों को स्लिप स्लिप निट करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक, फिर नौ फंदे सीधे जैसे थर्ड रो में किया था, नौ फंदे सीधे, फिर से स्लिप स्लिप निट, एक फंदा सीधा, दो का एक, फिर नौ फंदे सीधे। तो ये बहुत आसान है।
फिर से एस एस के, एक फंदा सीधा, दो फंदे एक साथ सीधे, ऐसे ही हम बुनते जाएंगे। फिर से हम नौ फंदे सीधे बुनेंगे और फिर ये करेंगे लास्ट के हमारे जो है नौ की जगह पे छह फंदे सीधे आएंगे जैसे स्टार्टिंग में थे, लास्ट सिक्स स्टिचेस एंड द एच स्टिच टू। ये छह फंदे भी सीधे बुनेंगे और एच स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 11th row 11वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। अब देखिए 12वीं सिलाई, फिर सारे फंदे उल्टे बनेंगे, पर्ल ऑल इन रो 12। तो ये सारी रो हम उल्टी बुन लेते हैं। तो ऐसे हमने ये 12th row 12वीं सिलाई कंप्लीट की। अब देखिए 13th row 13वीं सिलाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद पहले हमने तीन फंदे सीधे बुनने हैं। अब धागा आगे लेकर आएंगे और क्योंकि हम जो पेटल्स का तीन का एक बनाते हुए शेप बनाते हैं वो करेंगे। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, दो फंदे एक साथ बुने और फिर इसे ऊपर से पास कर दिया यूं, तो नीट थ्री टुगेदर कर लिया। अब ये हमने बीच के फंदे जो थे तीन, इनको भी इस तरह से तीन का एक कर रहे थे वो भी कर लेंगे। फिर से नीट थ्री टुगेदर करेंगे और फिर हम इन तीन फंदों का भी एक कर लेंगे। तो ये हम तीन बार जो है तीन का एक कर रहे थे वो कर लिया हमने। एक बार ये किया तीन का एक, फिर ये बीच के फंदों का तीन का एक किया और फिर ये पैटर्न जो है इस तरफ की इसका तीन का एक किया। फिर धागा आगे लाएंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे जैसे रो 5th में किया था, फिर से धागा आगे लाएंगे और इन तीन फंदों का एक कर देंगे। नौ में से लास्ट के जो तीन है इनका भी एक कर देंगे यूं। अब फिर ये तीन का एक करेंगे, बीच वाले जो है तीन इनका एक करेंगे। अब फिर जो ये नौ फंदे है इसकी फर्स्ट पेटल बनाएंगे तीन का एक करते हुए, फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और ये बीच वाली पेटल जो है अभी नहीं इसको बंद करना है तो इसके तीन फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और इस तरफ की पेटल भी बंद कर देंगे तीन का एक करते हुए यूं। अब ये बीच के फंदे तीन का एक, ये इस तरफ की पेटल का तीन का एक, धागा आगे। तो जो पूरी रो में ऐसे करेंगे लास्ट में धागा आगे करके हमारे ये चार फंदे हैं जिसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 13th row हमने ऐसे कंप्लीट कर ली है। अब 14th row फिर सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल 14th row हम बुन चुके हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 15th row, पहले फंदे को स्लिप किया। अब ये जो हमारे तीन फंदों का हम एक कर रहे थे जो ये बीच वाली पेटल है ये अब साइड पे आई हुई है, तो अब इसका हमने तीन का एक करना है, थ्री टुगेदर। अब धागा आगे लेकर आएंगे और इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और फिर इन तीन फंदों को सीधा बुनेंगे, धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे तीन फंदों का एक, धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे तीन फंदे सीधे। फंदा सीधा, धागा आगे तीन फंदों का एक। धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे तीन फंदे सीधे, धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे तीन फंदों का एक। पूरी रो में हमने ये करते हुए जाना है। लास्ट में भी हमारा जो है तीन फंदों का एक ही आएगा और उसके बाद हमारा एच स्टिच रहेगा जिससे हम सीधा बुन लेंगे। तो 5th row ऐसे हमने बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब लास्ट रो है हमारे पैटर्न की जिसे हम उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल। ये हमने 16वीं सिलाई 16th row कंप्लीट कर ली और
1 to 16 रोज, एक से लेके 16 तक की सिलाइयों को ही हमने जो है बार बार रिपीट करना है। अब फिर से हम रो 1 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने एक फंदा स्लिप करके 2 सीधे, फिर 2 का एक करना है, फिर इन 3 फंदों के 9 फंदे बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये 16 सिलाइयाँ 16 रोज हम बार बार रिपीट करेंगे, तो देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा, बहुत ही प्यारा सा। आप इसे जो है लोटस पैटर्न भी कह सकते हैं, देखिए थोड़ा लोटस की लुक भी देता है ये देखिएगा। तो इससे आप, क्योंकि ओपन वर्क पैटर्न है और बहुत ही सुंदर लगता है ये बनने के बाद, तो आप किसी भी समर वियर प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। बैक साइड से इस तरह से दिखेगा ये, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर एक बार बताइएगा कि आपको ये बनाने के बाद कैसा लगा है। और बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि है ये 8 ही सिलाइयाँ, 8 में से भी जो उल्टी उल्टी सिलाई है वो उल्टी ही रहेगी रॉन्ग साइड से। तो यानी कि 4 सिलाइयों में ही हमने ये पैटर्न बनाना है और उन्हीं 4 को हमने थोड़ा सा चेंज करके फिर रिपीट करना है, और ये अल्टरनेटिवली हम रिपीट करते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बनाने के बाद कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।